Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. This is your daily current affair class. और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास जैसे रहेंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पर आप आ चुके हैं सब, तो आप बोल सकते हैं येस मैम वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन. ओके, फिर हम शुरू करेंगे आज के हमारे क्वेश्चन. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है मुझे. लास्ट में आपको मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन आज के क्लास में आप ठीक कर पाते हैं. ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वरुण 19.1, अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हैज़ बिन स्टार्टेड एट गोवा कोस्ट. इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज. कैसे एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है? सो आपको जहाँ पर भी वरुण एक्सरसाइज की बात होगी वहाँ पर आपको क्या याद रख लेना है, ये जो एक्सरसाइज है वो नेवी एक्सरसाइज है. ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है. आपको मुझे बताना है ये इंडिया की एक्सरसाइज है लेकिन किस कंट्री के साथ में है. देखो, अगर आप सारी ही ऐसे एक्सरसाइजेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आई हैं, ठीक है? सो जैन से लेकर जो अप्रैल तक हुई हैं, तो वो आप मेरा लास्ट क्लास जो है उसको देख सकते हैं जो वेंसडे को हुआ था, ठीक है? तो वेंसडे की क्लास में मैंने आपको सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी वो कवर करवा दी थी. और यहाँ पर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांस. ओके, सो वरुण 19.1 जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है. ओके, सो ऑप्शन नंबर वन ए इज करेक्ट आंसर. अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, मुझे बताना है आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके कि व्हाट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ फ्रांस. ओके, सो फ्रांस की कैपिटल और करेंसी जो है आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बतानी है. देखो, फ्रांस जो है उसकी कैपिटल क्या है, पेरिस है. करेंसी क्या है, यूरो है. ओके, और यहाँ पर अगर आपसे प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, एमिनल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है? एक चीज़ तो आपको यहाँ से ये याद रखनी थी. अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि 19.1 तो आपको पता चल गई कहाँ पर होने वाली है, गोवा में होने वाली है, ठीक है? अगर आपसे ओके, सो मैं यहाँ से थोड़ा रब कर देती हूँ. सो अगर आपसे 19.1 का वेन्यू पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, गोवा बता देंगे. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मई के लास्ट तक होने वाले 19.2 भी इसका, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, वो होगा डेजीबूटी में. ओके, सो उससे आपको जो याद रखना है वो डेजीबूटी याद रख लेना है. दोनों ही वेन्यू जो है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, सो इट वॉज द 17th एडिशन. ओके, ये कौन सा एडिशन था, 17th एडिशन था वरुण एक्सरसाइज का. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन 2018-19. आपको बताना है 2018-19 का जो पूरा सेशन रहा है इसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट किया वो कौन सी कंट्री से यहाँ पर इंपोर्ट किया था. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है क्या यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. ओके, सो आपको यहाँ पर मुझे बताना है करेक्ट आंसर क्या है. सो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है इराक, ठीक है? ईरान और इराक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो इराक जो है हमारा करेक्ट आंसर है. आपको एक और चीज़ जो पता होनी चाहिए इस टाइम पे, वो है ईरान के बारे में. इंडिया ने क्या अनाउंस कर दिया है कि अब हम ईरान से कोई भी ऑयल जो है उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे. यानी जो ईरान से ऑयल इम्पोर्ट किया जाता था इंडिया में, उसको क्या कर दिया है, अब इंडिया ने बैन कर दिया है, ठीक है? तो अब हमारे यहाँ इंडिया में ईरान की तरफ से कोई भी ऑयल इंपोर्ट नहीं किया जाएगा. ओके, सो दिस वाज अ पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना था. इराक की अगर बात करें, कैपिटल क्या है, बगदाद है, ठीक है? करेंसी क्या है यहाँ पर, दिनार है. ओके, सो इराक, बगदाद, दिनार. आपको मुझे बताना है हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इराक. ओके, सो आपको मुझे ये बताना होगा यहाँ पर कमेंट करके. ओके, सो जल्दी बताइए कि इराक जो है उसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है. सो इराक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, बरहम सलीह. कहाँ के प्रेसिडेंट है, इराक के प्रेसिडेंट है. ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हु हैज़ बिकम फर्स्ट जैपनीज एम्परर टू स्टेप डाउन फ्रॉम थ्रोन इन 200 ईयर्स. देखो, जापान के एम्परर थे वो 200 साल से एम्परर चलते आ रहे हैं. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनका जो थ्रोन है वो 200 साल बाद जो है वो ख़त्म हो गया है,
ठीक है, आफ्टर 200 इयर्स जो है थ्रोन पर अब कोई और आने वाले हैं, उनकी पोजीशन पर कोई और आने वाला है, तो आपको मुझे बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो हु हैज़ बिकम फर्स्ट जैपनीज एम्परर टू स्टेप डाउन फ्रॉम थ्रोन इन 200 इयर्स. ओके, सो आपको मुझे बताना है यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है ए बी सी डी ऑप्शन में से. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिंजो अबे. शिंजो अबे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, जापान के. ओके, ऑप्शन नंबर ए दैट इज शिंजो अबे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अहितो. ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो याद रख लेना है नाम अहितो याद रखना है. अब उनकी जगह जो जापान के एम्परर बन रहे हैं वो कौन है, ये भी आपको यहाँ बताना है. सो यहाँ पर उनकी जगह जो जापान का एम्परर बनने वाले हैं वो है नारुलुतो. ओके, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है, ये जो हैं वो बनने वाले हैं जापान के नेक्स्ट एम्परर. ओके, सो दोनों का ही जो नाम है यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू इम्प्लीमेंट द NCAP. ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है NCAP को. आपको मुझे बताना है व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन NCAP. ठीक है, आपको मुझे यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है और आपको बताना है कि सी जो है उसका मतलब क्या है. ओके, सो देखिए यहाँ पर जो सी का मतलब हो जाता है वो हो जाता है क्या, क्लीन. ओके, और आपको यहाँ पर चेक करना है कि NCAP जो है उसका फुल फॉर्म क्या है. सो इट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ओके, सो इसका जो फुल फॉर्म है NCAP का जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसको हेड कौन करने वाले हैं, ये जो कमेटी है उसके हेड कौन होने वाले हैं. सो सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हेड हो जाएंगे. ओके, सो अगेन यहाँ पर जो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हु इज़ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. ठीक है, हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बता देंगे, हर्ष वर्धन जो हैं, हर्षवर्धन जो हैं वो क्या है, हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, दैट इज क्लीन. ओके, सो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, दैट इज OSD इन द ऑफिस ऑफ लोकपाल. ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर बताएंगे ए बी सी डी ऑप्शन में से. सो ऑफिस ऑन ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यहाँ पर जो है वो कौन बन गए हैं, दिलीप कुमार बन गए हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है. ओके, सो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है दैट इज दिलीप कुमार जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो विच कंट्री नेम्ड इट्स रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट इंडिया एज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर. ठीक है, तो आपको पता हो इंडिया के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो कौन सी कंट्री से हुए हैं, आपको पता ही होगा यहाँ पर किसकी वजह से हुए हैं, पाकिस्तान की वजह से हुए ना, तो पाक की तरफ से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर अटैक हो रहे हैं. ठीक है, सो ये जो अटैक था जो पाकिस्तान ने किया था तो उसके ऊपर बोला जा रहा है क्या कि वो एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर था. ठीक है, हमें अपना रिटेलिएशन दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्री करेक्ट आंसर था वो पाकिस्तान था, ऑप्शन नंबर बी जो था करेक्ट आंसर था. अब आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, पाकिस्तान जो है उसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है, करेंसी रुपी है और प्रेजिडेंट का क्या नाम है, आरिफ अलवी. ठीक है, आरिफ अलवी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर आई होप सबको पता होगा. इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं. मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 मे. ठीक है, आपको अगर पता हो 1 मे जो है वो कैसे मनाया जाता है, हमारा इंटरनेशनल लेबर डे की तरह मनाया जाता है. ओके, सो इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो कब मनाते हैं, हम 1 मे को मनाते हैं. उसको क्या बोला जाता है, मे डे भी बोला जाता है. ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, मे डे बोल देते हैं.
ओके सो इंटरनेशनल लेबर डे या फिर मे डे जो है वो 1 मई को बोला जाता है. इस दिन कोई दो स्टेट हैं जिनका फाउंडेशन डे होता है, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके सो महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं. कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं. आपको मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि वट इज द हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज गुजरात. ओके तब तक हम मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन ईजी OCR सिस्टम फॉर रीडिंग भारतीय स्क्रिप्ट. ठीक है, तो भारतीय स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए OCR सिस्टम जो है वो कौन से IIT ने यहाँ पर लॉन्च किया है, ये आपको बताना है. देखो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वट इज़ भारतीय स्क्रिप्ट. आपने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं होगा ना नाम अभी तक. इसमें क्या क्या गया है, 9 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उसको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर वो स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर 9 इंडियन लैंग्वेजेस होंगे, उनको इजीली पढ़ा जा सकेगा इस सिस्टम के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था क्या करेक्ट आंसर है. तो IIT मद्रास जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर. ओके सो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस हैज़ रिसेंटली ऑब्जर्व ऑन विच डे. देखो अब की बार इस साल ये पहली बार ये डे मनाया गया है, आपको बताना है ये ABCD ऑप्शन में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. डिप्लोमेसी फॉर पीस का जो डे है वो कब मनाया जाता है ABCD ऑप्शन में, ये जो डे ऑब्जर्व किया है वो किसने करवाया है, ये यूनाइटेड नेशन ने. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन जो है उसने इस डे को डिक्लेयर किया है. आपको यहाँ पर बताना था क्या करेक्ट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24th अप्रैल. ओके सो 24th अप्रैल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की स्टैटिक फैक्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है. ओके और अगर आपसे सेक्रेटरी जनरल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं कहाँ के, यूनाइटेड नेशंस के. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग रेज्ड इन सिटी फॉर 24 आवर्स. यानी इस सिटी ने रिकॉर्ड बना दिया, यहाँ पर 24 आवर्स तक सबसे ज़्यादा जो फ्लैग है उनको रेज किया गया है. आपको यहाँ पर बताना है वो सिटी कौन सी है ABCD ऑप्शन में से. ओके सो दैट सिटी इज कैपिटल ऑफ लेबनान. ठीक है, जो भी सिटी है यहाँ पर वो किसकी कैपिटल है, लेबनान की कैपिटल है. सो आई होप कि आपको यहाँ पर एक आइडिया हो गया होगा कैपिटल क्या है लेबनान की, बेरत है. करेंसी क्या है यहाँ पर, पाउंड है. ठीक है, तो लेबनान बेरत पाउंड जो है यहाँ पर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है. अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कौन है लेबनान के, साद हरीरी जो हैं वो क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं. कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं. एंड माइकल ओन वो क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, अगेन लेबनान के. ओके सो अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो माइकल ओन बता देंगे आप, और अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो शाद हरीरी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं. ओके आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि टोटल कितने फ्लैग रेज किए गए थे, तो 26,852 जो फ्लैग्स थे वहाँ पर, नेशनल फ्लैग जो थे उनको रेज किया गया था. ओके सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been nominated for Rajiv Gandhi Khel Ratan Award by Hockey India? Hockey India ने किसको nominate किया है Rajiv Gandhi Khel Ratan Award के लिए, ये आपको मुझे बताना है. Again you have to tell me किसको nominate किया गया है Arjun Award के लिए. ठीक है, so Hockey India ने किन्हीं 3 पर्सन को यहाँ पर नॉमिनेट किया था, किसके लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए, और किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया था राजीव गांधी खेल के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर PR श्रीजेश गोल कीपर हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है उनको क्या नॉमिनेट किया गया, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है. जो बाकी बचे हुए आपके ACD ऑप्शन हैं वो क्या है, उनको नॉमिनेट किया गया है किस चीज़ के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए. ओके ये दोनों ही क्या हैं आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों ही अवार्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में. ठीक है, सो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर.
सो देखो, अगर आपको सेशन में सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्लियर होती हैं, तो आप यहाँ पे सेशन को लाइक कर सकते हैं. दिस इज द फाइनल क्वेश्चन. जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्डेड एवर हाईएस्ट इन अप्रैल सिंस जीएसटी इंप्लीमेंटेशन 2 rupees हाउ मैनी. ठीक है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पर. वो जो है करेक्ट आंसर वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. देखो, जीएसटी जब से इंप्लीमेंट की गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन हुआ है वो कब हुआ? इनके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2019 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया है जीएसटी की वजह से. ठीक है, सो आपको बताना है वो रेवेन्यू जो है वो कितना आया है. स्लाइड हटा दीजिए. ओके, सो आज की हमारी क्लास जो थी उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया आपको लास्ट डे से. ओके, सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं. अगेन, आपको ये क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है. इसके साथ में आपको स्टैटिक अवेयरनेस का क्लास भी फॉलो करना है जो आपका 4 PM पे होता है डेली. ठीक है, सो वहाँ पर आपका बैंकिंग का क्लास होता है और स्टैटिक का क्लास होता है 4 PM पे, वो भी आपको कवर करना है. ओके, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.